फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं और क्या बताऊँ, तो जाके मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी ध्रुव जो है वो उसको मिल्क पिलाना है मुझे। अभी फिलहाल के लिए तो लाल चाचू पिला रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा ध्रुव और ये रहे उसके चाचू, तो वो उसको मिल्क पिला रहे हैं। और ध्रुव को सुबह के 6 बज रहा था, हम लोग निकले तो उसको ऐसे ही नाइट ड्रेस पे लेके आ गई हूँ। कहीं रास्ते पे रुकेंगे तो वहाँ पे उसका ड्रेस चेंज करूँगी मैं, फिर वहाँ पे जाके मैं आपसे बात करती हूँ। और थोड़ा सा अभी व्यू दिखा देती हूँ आपको। तो हम लोग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद एक स्पॉट पे पहुंचे हैं, इसका नाम है नेम ब्रिज। यहाँ पे सारे लोगों का नाम ब्रिज पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके पास में एक लेक है, ये अभी यहाँ उसके सामने बहुत सारा पेड़ है तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा लेक है और ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है। मुझे तो नहीं पता किन लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका व्यू। और यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो खींचे। ये रहा, अभी हम लोग और एक स्पॉट में जा रहे हैं, यहाँ से वो 10 मिनट्स ड्राइव है, चलिए वहाँ जाके मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक जगह पे पहुँच गए हैं, एक स्पॉट जो है वहाँ पे कुछ व्यूज़ है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आपको चलिए मैं वो दिखाती हूँ, उसका नाम है फ्रेंच किंग ब्रिज। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ। ये ब्रिज का नाम फ्रेंच किंग ब्रिज है, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, मैं आगे जाके दिखाती हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा है। और ये ब्रिज है, यहाँ पे गाड़ी जा रहा है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है। यहाँ पे देखिए एक रोड जो है वो नीचे गया है और दोनों तरफ काफ़ी सारा पेड़ है, घना जंगल जैसा लग रहा है। और काफ़ी सारे पेड़ों में मतलब फॉल कलर आना स्टार्ट हुआ है, येलो कलर हो गए हैं काफ़ी सारा पेड़, और काफ़ी बहुत सारा अभी तक ग्रीन भी है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे से फॉल कलर स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है। इसमें फॉल कलर स्टार्ट होने में और भी 1-2 वीक्स लग जाएगा। हम लोग जितना ऊपर जाते हैं उतना, मीन्स नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उतना फॉल कलर्स अच्छा होते जाता है। और ये एक देखिए नदी में एक बोट जा रहा है, यहाँ पे बोटिंग लोग काफ़ी पसंद करते हैं करना। यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही मस्त दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा ये व्यू, कमेंट करके मुझे बताइए। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ फोटो खींचेंगे अभी। ये रहा मेरा एक सिंगल फोटो। अभी यहाँ पे ध्रुव का लंच टाइम हो गया है, तो मैं उसको अभी खिला रही हूँ चिकन और राइस का, जो पैकेट हमेशा मैं कैरी करती हूँ वही उसको अभी खिला रही हूँ। वो वीडियो देखते देखते खाना खा रहा है अभी, और चलिए उसको खिलाने के बाद और एक जगह पे जाते हैं। ये एक छोटा सा ब्रिज है और इसका नाम फ्लावर ब्रिज है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हुए हैं। आपको ये ब्रिज जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, ये गार्डन जैसा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स से ये भरा हुआ है। काफ़ी कुछ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो जितना पॉसिबल हो रहा है उतना ही मैं दिखा रही हूँ। और बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, ये रहे पर्पल कलर के, कुछ ऑरेंज, पिंक का। तो ये रहा उसका व्यू, काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे यहाँ पर। ये दूसरे साइड और एक ब्रिज है, यहाँ पे उसका जो रिफ्लेक्शन है ब्रिज का वो पानी में क्लियरली दिख रहा है। ये रहा उसका एक फोटो, और ये कुछ फ्लावर्स के फोटो यहाँ पे, और फ्लावर्स के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और इसके बाद हम लोग और एक जगह जाएंगे, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। ये सारे प्लेस जो है मैसाचुसेट्स में ही है, तो हम लोग और एक स्पॉट पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे भी मैं कुछ व्यूज़ दिखा रही हूँ, ये जितना मैं कैमरा में शूटिंग कर रही हूँ उतना व्यू क्लियरली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना मतलब आई से
आँख जो है उससे ज़्यादा अच्छा कैमरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप जितना खुद की नज़रों से देखेंगे उससे अच्छा तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कहीं पे फ़ोटो खींच लो या फिर वीडियो बना लो, आप जो खुद से देखोगे वही मतलब बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रिवर है, यहाँ मैं झुक के साथ पानी में खेल रही हूँ, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे और ये रहा कुछ फोटो यहाँ पे। ये हम लोग मैसाचुसेट्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है और ये माउंटेन का नाम ग्रेलॉक है। यहाँ पे देखिए कितना क्लाउडी हो गया है, पता नहीं था वेदर इतना ख़राब हो जाएगा। चारों तरफ पूरा क्लाउडी क्लाउड है, नहीं तो यहाँ से जो व्यूज़ है वो बहुत ही मस्त आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहे ध्रुव और ध्रुव के पापा। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग क्लाउड के अंदर घुस के जा रहे हैं। ध्रुव जो है वो बहुत ही खुश है यहाँ पे, क्योंकि जो क्लाउड का मिस्ट है उसके ऊपर आ रहा है तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ध्रुव काफी खुश है, बहुत ठंड भी है यहाँ पे। तो चलिए आगे आगे चलते हैं, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए ध्रुव कितना खुश है, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है ध्रुव को देखे। जब बच्चे लोग खुश होते हैं ना काफ़ी मस्त लगता है, आपका घूमना उत्थित लगता है तब कि चलो हम लोग का कुछ हुआ नहीं हुआ, जो है वो खुश है, बच्चे जो है वो खुश हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो सीनिक व्यू है वो यहाँ से काफ़ी मस्त दिखता है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक मोनूमेंट है, आप देख सकते हैं क्लाउड के अंदर थोड़ा सा दिख रहा है, वैसे तो क्लाउड है तो ऐसे ही दिख रहा है, नहीं तो पूरा क्लियर दिखता। बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये क्लाउड के अंदर। तो चलिए देखते हैं कितना बड़ा सा मोनूमेंट है यहाँ पे। ये रहा ऊपर से नीचे से ऊपर तक, इतना बड़ा सा है यहाँ पे। ये रहा कुछ फोटो जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, काफ़ी अच्छा सीनरी था तो कुछ फ़ोटो खींच ली यहाँ पे। अभी हम लोग होटल रिटर्न जाएंगे, तो चलिए वहाँ पे जाके बात करती हूँ मैं आपसे। ये हम लोग होटल पहुँच गए हैं यहाँ पे और ध्रुव जो है नाइट ड्रेस पहन के यहाँ पे खेल रहा है। मैं होटल पहुँचते ही आपको वीडियो करके नहीं दिखा पाए क्योंकि ध्रुव जो है वो काफ़ी क्रैंकी हो गया था और रूम को जैसे ही हम लोग एंट्री किए वो उसका रोना चालू हो गया और काफ़ी देर तक वो रोता रहा, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम, तो वीडियो करना इम्पॉसिबल हो गया और हम लोग काफ़ी टायर्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ध्रुव जो है वो खेल रहा है, इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो कल सुबह मैं आपसे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह हो गया है तो हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं दूसरी जगह जाने के लिए और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या वहाँ पे सीनरी है और कितना अच्छे से फॉल कलर्स हुए हैं। और ये रहा मेरा बेबी, आप देखिए यहाँ पे मैं पहले से बता रही हूँ ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी देखना है देखने का चीज़ है वो गाड़ी के अंदर से ही आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ और पेड़ रहते हैं और उसमें फॉल कलर रहता है, तो आप गाड़ी के अंदर रह के उसका सीनिक जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं।
हम लोग ये जगह पे रुके हैं अभी क्योंकि यहाँ पे सीनिक व्यू है और ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से फॉल कलर हुए हैं, एकदम येलो एंड रेड हो गया है चारों तरफ। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो खींचने के लिए हम लोग गाड़ी को साइड पे रख के रुके हैं। ये रहा एक सीनिक फ़ोटो यहाँ पे। तो फोटो कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और भी कुछ फ़ोटो हम लोग यहाँ पे खींचे हैं। ये रहा ध्रुव और मैं यहाँ पे, और ये ध्रुव अकेला। ये रहा ध्रुव का और एक सिंगल फोटो, रोड के साइड में हम लोग ये लिए हैं। फिर चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे जो भी वीडियो की हूँ वो गाड़ी के अंदर से रह के ही मैं की हूँ, क्योंकि जो भी देखना है आपको गाड़ी के अंदर से ही सब कुछ दिखता है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। एक एक जगह पे जहाँ अच्छा लगता है वहीं पे रुक के हम लोग फोटो खींचते हैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये एक फार्म है, फार्म में पीछे का सीनरी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फॉल कलर हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग कुछ फोटो खींचे हैं, और यहाँ पे वीडियो करना मैं एकदम से मेरे दिमाग में हट गया था, तो सॉरी फॉर दैट। और ये कुछ फोटो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं और एक पॉइंट पे। अभी हम लोग को रिटर्न भी करना है क्योंकि यहाँ से 4-5 घंटा लग जाएगा घर पहुँचते ही, और ये शाम होने को है। अभी हम लोग बीच में लंच भी किए, तो अभी और ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बेबी को लेके घूमना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये हम लोग और एक जगह पे पहुंच गए, यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पत्ते जो है कितना सारा लीव्स नीचे गिर के पड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे, कितना मस्त दिख रहा है। और हम लोग ऐसे ध्रुव को लेके चल रहे हैं, ध्रुव का और मेरा। ये रहा एक फोटो वहाँ पे। फिर ये रोड के साइड पे फोटो खींचना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही फोटो ले लेती हूँ। ये रहा ध्रुव पापा और उसके मम्मी। ये और एक प्लेस में मेरा सिंगल फोटो। फोटो सब कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं और ध्रुव जो है मेरे गद्दी में अभी सो रहा है, फिर इसके बाद वो सो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी सो गया है। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गया है और शाम के 6 बज रहे हैं। अभी हम लोग घर रिटर्न कर रहे हैं, घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को 11-12 बज जाएगा और रास्ते से खाना भी खाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और आपको अगर वीडियो पसंद आया, जगह कैसा लगा, कैसा है आपको, कैसा लगा सीनरी सब बताइए मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।